किसान भाई नमस्कार, यूपी स्मार्ट ट्रैक्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने है सोलिस जापान एनमाल टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर। इसमें सामने की बात करें तो इसमें चार हैलोजन लाइट प्लस एलईडी डीआरएल के साथ लगा हुआ है। इसमें 40 किलो का वेट और नॉन एडजस्टेबल एक्सल लगा हुआ है। और इसमें बात करें इसके स्टेयरिंग की बात, इसमें चौकोर वाला इसमें हाइड्रेंट लगा हुआ है, सिंगल पावर स्टेयरिंग के साथ में। और इसमें आगे के टायर हैं 7/50/16 के। ये ट्रैक्टर है 50/15/16 जो कि 3 सिलेंडर इंजन में आता है, 4087 cc के इंजन के साथ। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। कल हमारी एजेंसी दीप एग्रो सुल्तानपुर में आया ट्रैक्टर। और इस पर आपको ज़्यादा हीट ना हो ट्रैक्टर, इसके लिए इससे ऊपर से एक ग्रिल लगाई गई है, जाली लगाई हुई है। ऊपर आप बोनट के ऊपर देख सकते हैं, इससे इंजन के अंदर ज़्यादा हवा जा सके, उससे और इंजन ठंडा रह सके। और आप बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, बहुत फंटास्टिक लुक के साथ एक ट्रैक्टर आया हुआ है, और वो भी इस सीरीज के साथ ट्रैक्टर आया हुआ है। मुझे तो इस सीरीज़ का मतलब नहीं पता है, लेकिन किसी किसान भाई को पता हो वीडियो में कमेंट करके बताएँ। ये देखिए, इसमें इंटरनेशनल कंपनी की ब्रांडिंग दी गई हुई है, वाल्का इंटरनेशनल कंपनी। और इस पर फुल फ्लैट प्लेटफार्म है, इसमें क्लियर ग्राउंडनेस के साथ आपको बैठने के लिए बहुत जगह मिल सकती है। और इसमें बैटरी बॉक्स ट्रैक्टर के बोनट के अंदर दिया गया हुआ है। ये ट्रैक्टर का फाइनल लुक है, आप लोग देख लीजिए। ट्रैक्टर का लुक रेड कलर में हुआ है एकदम। इसमें आपको सिंगल फिल्टर मिल जाता है डीजल वाला, और ये वाटर सेपरेटर, नीचे टूल किट, और ऊपर चढ़ने के लिए इसके ऊपर दिया है। ये डबल क्लच के साथ ट्रैक्टर आया हुआ है। ये सिंगल क्लच गियर के लिए और पीटू के लिए, दूसरा के लिए दिया गया है। हम इसके टायर की बात करें तो इसमें 7/50/16 के अपोलो के टायर दिए हुए हैं, और पीछे के अपोलो के टायर दिए हुए हैं 16 और 28 के, और इसमें 30 किलो का वेट भी लगाया हुआ है पीछे। हम पीछे की बात करें तो पीछे भी शानदार डिजाइन एलईडी लाइट दिया गया हुआ है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 2200 ग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी है। इनके दोनों हत्थे को या कंधे को कसने के लिए इसमें डबल लॉक के हिसाब जो दिया गया है कसने वाला, और इसमें हुक टॉपिंग और ट्रैक्टर के साथ हाइलोजन लाइट। और हम ट्रैक्टर के लुक की बात करें, ट्रैक्टर एक अच्छे लुक बनाया हुआ है रेड कलर के साथ में। दायरे ट्रैक की बात करें तो इसमें 30 किलो जी ग्राम के दोनों तरफ बैठ दिए गए हैं। आपको बैनेट ओपन करके दिखाते हैं। 3 सिलेंडर के इंजन के साथ आया हुआ है। इसमें साइलेंसर नए मॉडल में चेंज कर दिया गया है, और बोनट को खोलने के लिए डबल जैक लगाए गए हैं। और इसमें आप ड्राई टाइप एयर फिल्टर साथ में हॉर्न के साथ लगा हुआ मिलेगा। विशेष बात यह है ट्रैक्टर के, इसमें आगे रेडी वाटर की जाली दी गई है, जिससे ट्रैक्टर चलते समय कोई भूसा कचड़ा या रेडी वाटर चोक होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए। सामने से 45 किलोग्राम का वेट दिया गया हुआ है, और आपके सामने देखिए हमारे किसान भाई आए हुए हैं ट्रैक्टर को देखने के लिए। ट्रैक्टर में आपको चल के ऊपर से बात करते हैं, ट्रैक्टर के गियर सिस्टम की क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। तो ऊपर से देखने में ट्रैक्टर बहुत शानदार, और इसमें बहुत खुला प्लेटफार्म यूज किया गया है, जिससे किसान आराम से आसानी से ट्रैक्टर को चला सके। गियर सिस्टम की बात करें तो इसमें रिवर्स 1 2 3 4 गियर, इधर लो हाई मीडियम गियर दिया गया हुआ है। इंडिपेंडेंट पीटीओ के साथ, क्लच पीटीओ के साथ एक ट्रैक्टर आया हुआ है। ट्रैक्टर का डैशबोर्ड काफ़ी अच्छे लुक के साथ दिखता है, और इसमें क्रोम की फिनिशिंग और ब्रांडिंग दी गई है ट्रैक्टर के साथ, और वो भी आपको ये बताते हैं। देखिए ट्रैक्टर में एक बोर्ड दिया गया हुआ है, जिसमें ट्रैक्टर का पूरा मैक्स पीटीओ किलोवाट 34.346 पीटीओ इसमें दिया गया है, 250 SFC दिया गया है ट्रैक्टर की। और इसकी हम सीसी की बात करें, 4087 cc इंजन के साथ ट्रैक्टर आया हुआ है, डबल क्लच के साथ है ट्रैक्टर, सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और नॉन एडजस्टेबल एक्सल इसमें आगे सामने की तरफ दिया गया है। और लाइट तो इसमें लाइट की बात नहीं है, DRL LED लाइट दी गई हैं, फैंसी लाइट हैं, जो कि हमें रात में चलाने में ट्रैक्टर को आसानी होती है।
इधर है ट्रैक्टर टूल बॉक्स, इसमें आप अपना टूल किट या रिंच रख सकते हैं। 60 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ इसका टैंक आता है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर पे हम नीचे क्लियर ग्राउंडनेस की बात करें तो ट्रैक्टर की ऊंचाई 1 से 2 फीट ऊपर की तरफ है और ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर में लॉन्च हुआ है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बताएं।